गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.6 के 6 पहले सवाल के 6 क्वेश्चन को देखा था। अगर आपने नहीं वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रश्नावली 3.6 का ही युग्मों को बदल करके नया समीकरण प्राप्त करके सॉल्व करना है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, ध्यान से आप देखिएगा वीडियो को तो आपको तो सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर वो फर्स्ट का मतलब पहला का प्रश्नावली 3.6 के पहला क्वेश्चन का सातवां और आठवां नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे। तो बिल्कुल अंत तक वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सातवां नंबर, 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर एक। 15 बटा x प्लस वाई माइनस 5 बटा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 2। अब बिल्कुल ध्यान से सवाल को हम देखते हैं। सवाल को देखने पर हमें पता चल रहा है यहाँ दो चर है, x और y, परंतु ये दोनों चर एक बार यहाँ जुड़ रहे हैं और एक बार यहाँ घट रहे हैं, मतलब सेम है दोनों। दोनों में पहले वाले में जुड़ रहा है, पहले वाले में इसमें घट, दूसरे वाले में घट रहा है, अर्थात दोनों चर जो है वो अलग रूप में है, तो हम उसके रूप को मान लेंगे तो हो जाएगा। और दोनों बट्टा में है, इसका मतलब रैखिक तो नहीं है, परंतु रैखिक में उसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब यहां मानेंगे। क्या मान सकते हैं हम, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, 10 बटा x प्लस y है, 15 बटा x प्लस y है, मतलब यहां x प्लस y बटा में, यहां पर भी x प्लस y बटा में है, मतलब हम मान लेंगे यहां पर x प्लस y। हल तो यही से शुरू कर दीजिएगा, माना कि एक बटा x प्लस y, मतलब दूसरा बट्टा वाला जो पार्ट है ये x, एक बटा x प्लस y इसकी बराबर हमने क्या मान लिया, u। मैंने बोला u मानिए, v मानिए, n मानिए, n मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, तो u मान के सकते हैं। ठीक है, फिर और क्या है, 15 बटा x प्लस y, ये तो दोनों खत्म, एक बटा x प्लस y बन गई। फिर यहाँ x माइनस y है, यहाँ पे भी है, मतलब हमने एक बटा x माइनस y का मान क्या मान लिया, v। समीकरण नंबर ये समीकरण ये माना है, मान लिया, क्या माना हमने और क्यों माना। तो हमने यहाँ देखा सवाल में कि पहला वाला में जो x प्लस y बटा में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी x प्लस y बटा में, और यहाँ x माइनस y बटा में, यहाँ x माइनस y बटा में, मतलब कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो दोनों को हम लोगों ने मान लिया, एक बटा x प्लस y बराबर u और एक बटा x माइनस y बराबर v। समझ में आया यहाँ पर, मैंने आपको बोला युग्म को हमेशा मानिएगा। ठीक है, तो अब मान लिया हम लोगों ने, तो अब शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो इस मान को कहां रखने का, समीकरण एक और दो में, इस मान को समीकरण एक और दो में रखने पर, एक और दो में रखने पर, ठीक है, यहां रखने पर नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 10 एक बटा एक्स प्लस वाई दीजिएगा कि तो 10 यू प्लस 2 तो 2, एक बटा एक्स माइनस वाई की जगह पर बी बी बराबर 4, समीकरण में कितना हो गया, 3 हो गया। हो गया, फिर यहाँ 15 बटा एक्स प्लस वाई, 15 एक्स प्लस वाई बटा में है तो यू हो जाएगा, माइनस 5 एक्स माइनस वाई बटा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बराबर माइनस का 2, यहाँ माइनस 4 भी माइनस का 2, समीकरणों में कितना हो गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमने जो सवाल था उसको हम यहाँ बता दिए। अब देखिए दोनों को हमको बराबर करना है, अब आप बोलिए कैसे बराबर होगा। अगर देखा जाए यहाँ आगे 10 है, यहाँ 15 है, तो बराबर करना है 10 और 15 को, तो आप 10 और 15 का अगर निकाले, मौसम निकाले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज दोनों में कॉमन है। तो 5 दूना 10 और 5 की 15, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें और इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 10 किया कितना हो जाएगा 30, और 15 गुणा कितना जाएगा 30, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण एक में किससे गुणा कर सकते हैं,
तीन से गुणा कर सकते हैं इसमें, और इसमें किससे गुणा कर सकते हैं, दो से, यही कर सकते हैं। तो ये वाला बराबर होगा। और अगर हम अंदर वाले को बराबर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अंदर वाले के लिए यहाँ दो है और यहाँ पांच है, तो ऊपर वाले में दो से गुणा कर सकते हैं, नीचे वाले में पांच से। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो आप बराबर कर सकते हैं। मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं अपने आंसर बराबर करूंगा। तो मुझे भी वाले को बराबर करना अच्छा लग रहा है, तो मैं भी वाले को बराबर करता हूं। मतलब क्या आंसर लिखूंगा मैं, समीकरण तीन में भी वाले को बराबर करना, मतलब पांच से उसमें बराबर, तीन में पांच से, तथा समीकरण किसमें, चार में, चार में किससे गुणा हो रहा है, इसमें दो से गुणा करना पड़ेगा हमको, दो से गुणा करने पर, ठीक है। कितनी ध्यान से लिख लीजिएगा, मैंने आपसे बोला कि आप यू को ही बराबर कर सकते हैं, भी को ही बराबर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम भी को बराबर करें, अच्छा रहेगा। गुणा करने पर गुणा किया जाए, दस यू में, सॉरी समीकरण तीन में किससे, पांच से, तो पांच से गुणा कीजिए, पांच में दस से, पांच था कि पचास यू, पांच में दो से, पांच दूना दस भी, पांच में चार से, पांच चौका बीस। समीकरण नंबर कितना हो गया, समीकरण नंबर छह पांच, समीकरण नंबर कौन सा हो गया, पांच हो गया। कैसे, तो देखिए ध्यान से, हमने यहाँ तीन था, चार था, तो पांचों हो गया, किससे गुणा किया, पांच से, पांच से चार तीनों में गुणा हो गया। अब समीकरण चार में दो से गुणा करना है, तो दो से गुणा कीजिए, पंद्रह गुणा तीस यू, पंद्रह बचे हैं, पांच दुना दस भी, फिर पांच दो से इसमें गुणा करेंगे, दो से ना गुणा हो रहा है, दो पंद्रह तीस, दो बचे दस, और दो दुना चार माइनस का चार, समीकरण नंबर कितना हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों समीकरण में दोनों प्लस का, एक प्लस है एक माइनस है, अर्थात क्या करेंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण पांच और छह, समीकरण छह को जोड़ने पर बड़ा है, पचास यू प्लस दस भी बराबर बीस, ठीक है। ये समीकरण नंबर पांच था, तीस यू माइनस दस भी बराबर माइनस का चार, समीकरण नंबर छह। चलिए जोड़ा जाए, जोड़ने में तो चीज बदलता है, पचास और तीस अस्सी यू हो गया, पचास और तीस कितना हो गया, अस्सी यू, ये दोनों तो कट गया, बीस और माइनस का चार कौन बड़ा है, बीस बड़ा है, अर्थात प्लस का बड़ा है, तो प्लस का चिन्ह बीस में से चार गया, ठीक है। अब यू बराबर अस्सी है, इधर आके बट्टा मिल जाएगा, तो सोलह बट्टा अस्सी, यू बराबर सोलह एकदम सोलह है, सोलह पच्चीस अस्सी, एक बट्टा पांच, यू का मान कितना आ गया, एक बट्टा पांच। अब यू का मान कहां रखने पर, तो यू का मान कहां रखने पर, समीकरण नंबर तीन में रखने पर, आसानी से रख सकते हैं, तो यू का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन क्या था, दस यू प्लस दो भी बराबर चार, यही था। यू का मान एक बटा पांच रखना, तो रखिए हम दस यू की जगह एक बटा पांच प्लस दो भी बराबर चार, यही था समीकरण तीन था। ये यू की जगह एक बटा पांच रख दिया हम लोगों ने, पांच एकम पांच, पांच दूना दस, दो एकम दो प्लस दो भी बराबर चार, दो भी बराबर चार, और ये इधर आगे क्या जाएगा, माइनस का दो, दो भी बराबर चार में से दो गया दो, भी बराबर दो बटा दो, मतलब भी बराबर कितना गया एक, भी बराबर एक और यू बराबर एक बटा
5। आगे हम लोग का ये दोनों का मान निकल गया, v का मान 1/5 और u का मान 1/5 और v का मान 1 निकल गया। अब हमें क्या करना होगा, x और y का मान प्राप्त करना होगा। अब देखते हैं x और y मान क्या था, तो x और y को तो ये जोड़ करके u था, यहां घटाव करके v था। तो अभी देखते हैं, तो पहले इसको डाल दिए तब आगे देखते हैं। चलिए हम लोग ने देखा कि u बराबर हमारा कितना आ रहा है 1/5 और v बराबर कितना आ रहा है 1। तो हम लोगों ने माना था एक बार पहले u बराबर 1/5 और v बराबर 1, ठीक है। हम लोगों ने माना 1/ x plus y बराबर u और 1/ x minus y बराबर v, यही माना था। अब इस मान में हम u और v के मान को रखेंगे, तो u का मान 1/5 है, 1/ x plus y बराबर 1/5 और यहाँ हो गया 1/ x minus y बराबर 1/1 या फिर 1 ही बटा 1 बटा कर देते हैं 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x plus y 1 से गुणा करके x plus y और 5 से कम 5 यही हो गया। और यहाँ अगर करेंगे x minus y और यहाँ कुछ नहीं तो 1 के कम 1 हो गया। इक्वेशन नंबर देखा जाए तो यहाँ इक्वेशन 6 था, 5 और 6 तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, क्योंकि इसमें दोनों में x y है। अभी x y का मान क्या है y, ये दोनों में x y है, तो अब x और y का हम क्या करेंगे मान को ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 7 और 8 से x और y का मान प्राप्त करेंगे, तो दो इधर यहां x plus y है, यहां x minus y है, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए तो y से y कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 7 और समीकरण 8 को जोड़ने पर जोड़ा जाए, समीकरण 7 है x plus y बराबर 5 और समीकरण 8 है x minus y बराबर 1 जोड़ा जाए, जोड़ने पर y कट जाएगा, x में x हो गया 2x और 5 और 1 क्या हो गया 6, x बराबर 6 और बट्टा में हो जाएगा 2, तो x का मान कितना आ गया 3। मतलब हमने पुनः विलोपन विधि से समीकरण 7 और 8 को सॉल्व किया, तो x का मान हमें कितना आ गया 3। फिर x का मान कहां रखेंगे, समीकरण कौन से में 7 में भी रख सकते हैं चाहे 8 में भी रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 7 में रखने पर 7 क्या है x plus y बराबर 5 यही है। x का मान कितना आया है हमारा 3 आया है, तो 3 plus y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 5 और प्लस का 3 आ के माइनस करते हैं y बराबर हो जाएगा 2, अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 यही हमारा क्या हो गया इक्वेशन का आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर जो सवाल को था सातवां नंबर उसके x और y के मान को प्राप्त किया। कैसे किया इसको मैं फिर रिवीजन करवा दे रहा हूं, पहले आपका समीकरण 1 और 2 रहेगा, दोनों को देखिएगा ध्यान से और उसमें मानिएगा 1/x plus y और 1/x minus y बराबर u और v मानिएगा, मान करके जब आप दो इक्वेशन प्राप्त करेंगे उन इक्वेशन से सॉल्व करके u और v का मान प्राप्त कीजिएगा। जब आपका u और v का मान प्राप्त हो जाएगा तो उससे फिर आप x और y के मान प्राप्त करने के दोनों को इक्वेशन में रखिएगा और इक्वेशन में रख करके दो को इक्वेशन और प्राप्त होंगे जिससे x और y का मान प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए आज के लिए अभी तो इतना ही, अभी इसको उतार लीजिए तब इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वो पहला सवाल का 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा फर्स्ट सवाल का, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा दिखने में तो भारी लग रहा है पर देखिए बना करके बिल्कुल आसान आपको लगेगा, ठीक है। तो सवाल है 1/3x + y + 1/3x - y
बराबर 3/4 समीकरण नंबर ए। दूसरा है 1/2 इंटू 3x+y माइनस 1/2 इंटू 3x-y बराबर -1/8 समीकरण नंबर। तो बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा भारी है, ध्यान से देखिएगा बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। 1/3x+y, यहाँ 3x+y, यहाँ पे भी 3x+y है, यहाँ 3x-y, यहाँ 3x-y, मतलब दोनों में सेम क्या मिल रहा है आपको, तो दोनों में आपको सेम मिल रहा है 3x+y और 3x-y, बट्टा में है तो हम मान लेंगे। माना कि 1/3x+y बराबर u और 1/3x-y बराबर v, मान लिया हम लोगों ने। तो हमारे पास दो इक्वेशन और प्राप्त होंगे, 1/3x+y लिखने पर हमें क्या होगा, क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को मेरे रखने पर, इस मान को समीकरण 1 और 2 में रखने पर, समीकरण 1 और 2 में रखने पर, है ना, कर दिया जाए। 1/3x+y की जगह पे u, मतलब 1/3 इसकी जगह पे करेक्ट u हो जाएगा, प्लस 1/3x-y की जगह पे v, इसकी जगह पे v बराबर 3/4 समीकरण नंबर कितना हो गया 3। पहला तो क्लियर। अब दूसरा का बात किया जाए तो यहां देखिए ध्यान से, 1/3x+y की जगह पे u, मतलब 1/2 × 3x+y है, 2 कहां है, बट्टा के नीचे है, अर्थात 2 हमेशा बट्टा के नीचे है, रहेगा नीचे ही रहेगा, और 1/3x+y की जगह पर हम क्या लिख देंगे u, मतलब क्या हो जाएगा u बट्टा 2, बट्टा में 2 हो जाएगा, और फिर माइनस 1/3x-y की जगह पे v, और फिर बट्टा में 2 है तो बट्टा में बराबर -1/8, ठीक है, हो गया इतना समीकरण नंबर 4। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ बट्टा में 2 है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, छोटा कीजिए इसको और, ठीक है, तो और इसको छोटा करते हैं, तो लघुत्तम निकाला गया इस वाले में, क्या आ जाएगा 2 लघुत्तम यू माइनस वी, भाई यू माइनस वी हो जाएगा, तो लघुत्तम 2 आया, 2 में 2 से भाग देंगे, 1 में वी से यू में, तो यू माइनस क्या हो जाएगा वी बराबर माइनस का 3/ नहीं माइनस का 1/ हो गया, u माइनस v बराबर 2 उधर पर चला जाएगा, माइनस का 2/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2, 2 × 4, 8 मतलब u माइनस v बराबर हो गया माइनस का 1/4 समीकरण नंबर कितना, ये 4 था तो इसको हम लोग और सॉल्व करके कितना बनाएंगे 5, क्योंकि जितना छोटा रहेगा u और v के पास में बट्टा नहीं रहेगा उतना ही आसान हमें बनेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया u और v के जो भी बटा था उसको उधर भेज दिया, ठीक है। अब समीकरण 4 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 4 की जगह हमने क्या रख दिया 5 बना दिया है, तो अब 3 और 5 से सॉल्व करेंगे, 3 में क्या है u प्लस v, 4 5 में क्या है u माइनस v, मतलब जोड़ देंगे तो v कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 और 5 को क्या करने को जोड़ने को, ठीक है, जोड़ा जाए 3 क्या है u प्लस v बराबर 3/4 और 5 क्या है u माइनस v बराबर -1/4। अब आप बोलिएगा 4 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 4 को हमने सॉल्व कर दिया है, तो 3 और 5 चलिए सॉल्व कीजिए, जोड़ने पर हो रहा है तो u u क्या आ जाएगा 2u, ये तो कट गया, एक प्लस का एक माइनस का तो कट गया, यहां देखना है बराबर 3/4 जोड़ा जा रहा है तो माइनस का माइनस से रहेगा 1/4 2u बराबर लघुत्तम निकाला गया 4 में 4 से भाग दिया गया 1 में 3 से 3 एकम 3 माइनस 4 में 4 से भाग दिया गया 1 में 1 से 1 एकम 1 क्या हो जाएगा 2u बराबर 3 में से 1 गया 2/4 u बराबर 2/4 और ये गुणा में है करके आ जाएगा भाग बट्टा में हो जाएगा 2 गुणा में है यहां तो इधर के बट्टा में हो गया तो बट्टा के नीचे लिखेंगे 2 को 2 से 2 कट गया
क्या बचा, u बराबर एक बटा चार, u का मान आ गया एक बटा चार, तो u का मान किसमें रखने का, तीन में भी रख सकते हैं, चार में रख सकते हैं, पांच में रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं तीन में रखें, तो सब u का मान समीकरण तीन में रखने पर जितना हिंदी लिखिएगा उतना ही अच्छा बनेगा सवाल। u प्लस भी बराबर तीन बटा चार, यू प्लस भी बराबर तीन बटा चार, u का मान कितना एक बटा चार प्लस भी बराबर तीन बटा चार, तो भी बराबर कितना जाएगा तीन बटा चार और एक बटा चार इधर प्लस में इधर रखते आ जाएगा माइनस का एक बटा चार हो जाएगा। भी बराबर चार से चार गया तो सॉरी लघुत्तम निकालेंगे, चार एकम चार और चार का लघुत्तम चार, चार में चार से भाग देंगे एक, तीन एकम तीन, माइनस चार में चार से भाग देंगे एक, एक एकम एक, तीन में से एक गया दो बटा चार, दो एकम दो दुना चार, मतलब एक बटा कितना आ गया दो, यू का मान आ गया एक बटा चार और भी का मान आ गया एक बटा दो, दोनों मान हमने प्राप्त कर लिए। जब दोनों मान हमें प्राप्त हो गए तब हम क्या करेंगे, x और y का हमें मान प्राप्त करना है, u v से तो x का y और मान y x और y का मान प्राप्त करना होगा, तो मैं सवाल मिटा रहा हूं ठीक है, x और y का मान प्राप्त करना है, तो हमने u बराबर कितना आया एक बटा चार और v बराबर कितना आया एक बटा दो, तो u माना था हमने एक बटा तीन एक्स प्लस वाई बराबर u माना था, तो क्या हो गया एक बटा तीन एक्स प्लस वाई बराबर एक बटा चार, फिर भी माना हमने क्या एक बटा तीन एक्स प्लस वाई बराबर भी माना था, नहीं माइनस वाई माना था, माइनस वाई बराबर भी माना था, एक बटा तीन एक्स माइनस वाई बराबर एक बटा भी का मान एक बटा दो। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x में से 3x प्लस y हो जाएगा बराबर 4 एकम 4, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 2 एकम 2, इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो जाएगा 5, तो 5 था तो 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7 हो गया, ये 6 हो गया ये 7, अब दोनों को आपको क्या करना होगा सॉल्व करना होगा, तब समीकरण 5 6 और 7 को क्या करने पर ये प्लस ये माइनस है तो जोड़ने पर कट जाएगा 3x, लिखेंगे समीकरण 6 और 7 को जोड़ने पर जोड़ा गया 3x प्लस y बराबर 4, समीकरण नंबर क्या था 6 था, और 3x माइनस y बराबर 2, समीकरण नंबर 7, जोड़ने पर दीजिएगा, जोड़ने पर करेंगे तो y से y कट जाएगा 3 3 कितना हो गया 6x बराबर 4 2 6, x का मान कितना आ गया x बराबर 6 बटा 6 बराबर 1, x का मान आ गया 1, x का मान कहां रखिएगा x का मान किसमें रखने पे समीकरण नंबर 6 में रखने पर, समीकरण 6 में x का मान रख दीजिएगा जिससे आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा y का मान प्राप्त हो जाएगा, और y हमारा x और y का मान ज्ञात करना था, अतः हम लिख दीजिएगा अतः x बराबर 1 और y बराबर जितना भी प्राप्त होगा उतना लिख दीजिए ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व किया ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप सॉल्व किए होंगे, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसमें सेम इसी टाइप के दो क्वेश्चन और रहेंगे ठीक है, जिसको आप बना करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज देगा, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पे मुझे बताइएगा, उस मिनट पे आप मुझे बताइएगा कि कहां प्रॉब्लम आ रही है ठीक है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो, नहीं आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा ठीक है। अब होमवर्क देखते हैं, हमारी होमवर्क की तो आज का जो हमारा होमवर्क है वो वही दो क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको समझाया था, उसी टाइप के दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तो उसको आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा ठीक है। पहला क्वेश्चन है 14 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 3 प्लस 3 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 5, इक्वेशन 5, 21 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2, तो ये एक आपका सवाल हो गया। दूसरा है 3 बटा एक्स प्लस वाई
प्लस 4 बटा एक्स माइनस 2y बराबर माइनस 3 और 6 बटा एक्स प्लस 2y बटा माइनस 2 बटा एक्स प्लस माइनस 2y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो बिल्कुल ध्यान से आप उसको उतारिएगा, उतार करके दोनों सवालों को आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बन रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका बन जाए, समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।